अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह अपने फ़ोन में डबल व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ डबल व्हाट्सएप ही नहीं, डबल मैसेंजर, डबल फेसबुक, मतलब कोई भी डबल ऐप आप इस्तेमाल कर सकेंगे। उसके लिए आप लोगों को एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। उसको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएँ और वहाँ पर लिखें ड्यूअल व्हाट्सएप। जैसे ही मैंने सर्च किया तो एक ऐप आई है ड्यूअल स्पेस के नाम से, तो आप लोगों को इसे इंस्टॉल करना है। मैंने पहले ही इंस्टॉल कर ली है। दूसरी भी ऐप्स हैं, आप उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ड्यूअल स्पेस ही डाउनलोड करें। तो जैसे ही आप ऐसी ऐप को सर्च करेंगे तो नीचे मोर रिजल्ट में उससे रिलेटेड और भी बहुत सी ऐप्स आपको नज़र आएंगी। जैसे मैंने वहाँ पर ड्यूअल व्हाट्सएप के नाम से सर्च किया तो ड्यूअल स्पेस आए। तो अब आप नीचे मोर रिजल्ट में आप देखेंगे इस टाइप की बहुत सी ऐप्स नीचे पड़ी होंगी। यानी देखो ड्यूअल स्पेस लाइट, ये भी एक ऐप है, ये भी डबल ऐप करती है, यानी डबल मैसेंजर करती है, या व्हाट्सएप, फेसबुक, और इसी तरह टू फेस मल्टीपल है। इसी तरह मल्टीपल अकाउंट्स के लोन ऐप है, ड्यूअल स्पेस मल्टी अकाउंट्स है। जैसे मोच चैट है, ये भी डबल है। जैसे पैरेलल स्पेस है, ठीक, और पैरेलल स्पेस लाइट है, मल्टीपल स्पेस ड्यूअल अकाउंट्स एंड मल्टीपल स्पेस मल्टीपल अकाउंट्स, ये सारी डबल ऐप की ऐप्स हैं। यानी इनके ज़रिए से अपनी ऐप्स को डबल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी एक ही काम करती है, इनमें से जो भी आप चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। हाँ, तो ऐप को इंस्टॉल करने के बाद उस ऐप को खोलें। अभी मैंने इसको खोला है तो ऊपर लिखा हुआ है ड्यूअल स्पेस। अब यहाँ पर जो प्लस का निशान है इसको टैप करके आप किसी भी ऐप को डबल कर सकते हैं, यानी क्लोन बना सकते हैं किसी भी ऐप का। जो भी आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड ऐप हैं वो यहाँ पर सारी पड़ी हुई हैं। अब इनमें से जिस ऐप को आप डबल करना चाहते हैं इसको सिलेक्ट करें। जैसे मैंने व्हाट्सएप को सिलेक्ट कर दिया, अब मैं इसको क्लोन करूँगा तो व्हाट्सएप बन जाएगा। देखो ये बन रहा है, ठीक है, ठीक। और इसी तरह अपनी आईडी बना सकते हैं इसमें, जैसे पहले अकाउंट बनाते हैं, ठीक। और इसी तरह अगर दूसरी ऐप भी डबल करना चाहें तो उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ मैसेंजर है, क्लोन करेंगे तो मैसेंजर भी बन जाएगा। देखो जिस ऐप को चाहें आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसको डबल बना सकते हैं, ठीक। दूसरी बात, कुछ मोबाइलों में ड्यूअल ऐप का अलग ऑप्शन भी होता है। इनमें ड्यूअल ऐप का ऑप्शन मौजूद होता है डिफ़ॉल्ट के तौर पर, यानी उसके ज़रिए से हम व्हाट्सएप, मैसेंजर या फेसबुक को आसानी से डबल कर सकते हैं। तो उस ऑप्शन से बेहतर कोई भी ऐप नहीं है। मतलब अगर आपके फ़ोन में वो डबल ऐप करने का ऑप्शन फ़ोन की तरफ से मौजूद है तो आप वही इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे बेहतर कोई ऐप नहीं है। मेरा जो एंड्रॉयड है वो J7 प्राइम है, तो इसमें भी ड्यूअल ऐप का ऑप्शन दिया गया है। सेटिंग खोल कर मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मेरी सेटिंग आ गई है। मैं यहाँ जाऊँगा एडवांस फीचर्स में, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है ड्यूअल मैसेंजर। ये ऑप्शन मुख्तलिफ मोबाइलों में मुख्तलिफ नामों से होता है। जैसे मेरे मोबाइल में है ड्यूअल मैसेंजर के नाम से, इसी तरह शायद किसी और में ट्विन ऐप के नाम से हो, या ट्विन मैसेंजर के नाम से हो, या ड्यूअल ऐप के नाम से हो। ये मुख्तलिफ नामों के हो सकते हैं, ठीक। तो इसको मैं यहाँ से खोलूँगा। तो अब यहाँ से पूछ रहा है किस ऐप को डबल बनाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर डबल करता हूँ। जैसे इसको टैप करूँगा ये कंफर्म पूछेगा, तो मैं यहाँ से इसको कंफर्म कर देता हूँ, ठीक। अब ये बता रहा है कि सेकंड व्हाट्सएप ऐप इंस्टॉल करें, मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। तो अब मेरा सेकंड व्हाट्सएप बन गया है, मैं अभी आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये पड़ा हुआ है। अच्छा, अगर आप इसको नीचे मेन्यू में देखना चाहें तो वहाँ पर भी पड़ा होगा। देखो यहाँ पर ये पहला व्हाट्सएप है और दूसरा व्हाट्सएप जो अभी मैंने बनाया वो ये है। इसको खोलकर आप दूसरी आईडी भी लगा सकते हैं, ठीक। अच्छा, अगर आप लोगों को अपनी सेटिंग में ड्यूअल ऐप का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, ऊपर सर्च ऑप्शन के ज़रिए से भी आप उसको तलाश कर सकते हैं। जैसे मैं ऊपर सर्च को दबा रहा हूँ और यहाँ पर लिखूँगा डबल ऐप का लिखता हूँ, ठीक। आप मुख्तलिफ नाम लिखें, जैसे ड्यूअल लिखें, ट्विन लिखें, ऐप लिखें, या अकाउंट लिखें, या फिर दूसरा कोई भी लिख सकते हैं।
तो मैं यहाँ पर ऐप लिखता हूँ तो देखो सर्चिंग में नीचे आ गया है ड्यूअल मैसेंजर। तो इस तरीके से भी आप उसको सर्च कर सकते हैं अगर आपको वो ऑप्शन नहीं मिले तो। आज के लिए यही टिप थी, अगर आप लोगों को पसंद आ गई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।